राजस्थान के बारा छिपाब डॉट तहसील क्षेत्र के श्री प्रेम सिंह शिंगवी राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली है। वहीं छात्र संघ चुनाव में इस दौरान घमासान दिखाई दे रहा है, क्योंकि छात्र संघ चुनावों में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एक ओर एवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हेमंत मीणा हैं, वहीं एनएसयूआई से गोलू भील भी और एवीपी से बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी रवि मीणा भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। और यहां का चुनाव त्रिकोणीय होने से किसी की भी अब तक तस्वीर स्पष्ट नहीं हो सकी। छिपाब डौद कार्यवाहक तहसीलदार त्रिलोक चंद शर्मा ने बताया कि सुबह 7 बजे से ही व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई थी, जो 1 बजे तक चलेंगी, और इसके बाद सभी बैलेट पेपरों को ट्रेजरी में रखवाया जाएगा, जो कि कल चुनाव परिणाम डिक्लेयर किया जाएगा। इस दौरान छात्र संघ चुनाव को लेकर सभी दलों के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी मौके पर पहुंचे और यहां की सभी व्यवस्थाएं देखी। एवीवीपी के पूर्व कार्यकर्ता भी छात्र संघ चुनाव के दौरान श्री प्रेम सिंघवी राजकीय महाविद्यालय के गेट के बाहर सुबह से ही खड़े नजर आए। एक निर्दलीय रवि मीणा के मैदान में उन्हें इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। रवि मीणा का मैदान में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिसका परिणाम एक दिन बाद देखने को मिलेगा। छिपाब डॉट पुलिस थाना अधिकारी रविंद्र सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह सिरोहिया की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह सिरोहिया, आप देख रहे हैं मेरे साथ डीडी भारती न्यूज़ देते हुए। आज जो श्री राजकीय प्रेम सिंह सिंह महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर के जो पुलिस व्यवस्थाएं की गई है, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, हमारे साथ है छिपाब रोड पुलिस थाना अधिकारी रविंद्र सिंह जी यादव, उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। तो साहब, आज जो छात्र संघ चुनाव को लेकर यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? आज एसपी साहब के आदेश से यहाँ पर तीनों थानों को जाब्ता है, इसके अलावा जिला मुख्यालय से आर एस सी के 10 जवान मिले और 10 ही होमगार्ड मिले। पूरे यहाँ 60-70 आदमी का सुरक्षा इंतजाम है। जैसा कि राज्य सरकार के आदेश से मतदान खत्म होने के बाद बैलेट पेपर ट्रेजरी में जमा कराए जाएंगे और मां सुरक्षा गार्ड लगेगा, जो कल सुबह तक सुरक्षा गार्ड में रहेगी। फिर कल सुबह 10 बजे तक पीडीए आएगी और वहीं ये हमारे से व्यवस्था की गई है। हमने जैसे पुलिस का खून जाता है और प्रत्येक जो वोटर्स छात्र हैं उनका गेट पर ही उसका चिकी मोदी है और उनका आईडी को जांच करके और हम उसको अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। स्टॉप यहाँ 8 बजे से चुनाव प्रारंभ हुआ है, 1 बजे तक चुनाव चले गए। उसके बाद में और कल 10 बजे से सीट काउंटिंग होगी। और यहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई है चुनाव को लेकर? व्यवस्था चुनाव के लिए तो चुनाव इनके सुझाव है पुलिस प्रशासन की तरफ से, वहाँ से कोटा से टीम आई है और वो उनकी 10 टीचर एक्स्ट्रा यहाँ लगाए चुनाव के लिए, जो चुनाव देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।